जलाभिषेक करने के लिए जल भरने गए युवकों की टोली में से दो लड़के नदी में बहे। दोस्तों की बात न मानना युवकों को पड़ा भारी। दोस्तों की मदद से एक को नदी से बाहर निकाला। एक अब भी है लापता जिसकी तलाश है जारी। वही सावन माह के आज तीसरे सोमवार है और नदी नाले उफान पर है। इस सावन माह के महीने में भक्तगण जलाभिषेक के लिए जल भरने महानदियों में कांवड़ियों की टोली बनाकर सवेरे से ही पहुँच जाते हैं। मामला बिलाईगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत महानदी सलेहा घाट का है, जहां बोलबम कांवड़ियों की टोली नदी स्नान कर जलाभिषेक के लिए जल भरने गए हुए थे। वही ग्राम सलोनिकला की टोली भी पहुंची हुई थी। उसी टोली में से दो युवक उफंती नदी में स्नान करने चले गए। जैसे ही नदी में उतरे, बहाव तेज होने के कारण दोनों युवक बह गए और डूबने लगे। साथ में गए उनके मित्रों ने उन्हें डूबते देख चीखने चिल्लाने लगे, जिसे सुनकर लोगों की भीड़ लग गई। उनके दोस्तों ने उन्हें रस्सी के सहारे बचाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। वही एक युवक जैसे तैसे करके नजदीक पहुंचे, जिसे स्वस्थ बाहर निकाला गया। दूसरा युवक वही गेट के पास से लापता हो गया है, जिसकी सूचना तत्काल भटगांव चौकी को दी गई। भटगांव पुलिस घटना स्थल पहुंचकर महानदी में बने बैराज की गेट बंद कर गोताखोरों के द्वारा लगातार कई घंटों तक तलाश की, लेकिन दूसरे युवक का अब तक कुछ पता नहीं। अब बड़ा सवाल यह है कि इस प्रकार के हुए हादसों का जिम्मेदार कौन है कि सावन माह में जलाभिषेक करने हजारों श्रद्धालु नदी किनारे जल लेने जाते हैं, वहीं इस माह भारी बारिश होने के कारण नदी नाले उफान पर होते हैं। ऐसे में शासन को ऐसे स्थानों पर हाई अलर्ट कर सूचित न करना व इन स्थानों पर गोताखोरों व सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था न करना कहीं न कहीं प्रशासन की चूक को दर्शाता है। बिलाईगढ़ से चीफ एडिटर राजू निराला की रिपोर्ट। यहाँ क्या घटना हुआ है? यहाँ दो आदमी अंदर चले गए थे, एक आदमी बाहर आ गया है और एक अब फंसा हुआ है, पता नहीं चल रहा है उनका। क्या करने आए थे यहाँ पर? यहाँ पर उन लोग बोलबम के नाम से आए थे, हम मैं भी आया था बोलबम के नाम से। फिर वो डूब गया? अब वो डूबा हुआ है धारा में, पता नहीं चल रहा है। कितने लोग थे उन लोग? दो लोग गए थे, एक बाहर आ गया है। कैसे पता चला आप लोगों को? अब वो हम लोग जा रहे हैं ऐसा बोलकर उन लोग गए हैं और एक अंदर में फंसा हुआ है और वो हम लोग मना किए तो पर भी माने नहीं। उन लोग आगे बढ़ते कदम बढ़ाए चले गए और फिर उसके बाद उन लोग अंदर में फंस गए थे, तो एक अचानक से बाहर आ गया दूर से और एक फंसा हुआ है। अभी बाहर निकाला है, उनकी स्थिति कैसे है? बाहर निकाले उनकी स्थिति पानी वगैरह हल्का पेट में चला गया है और उनका होश वगैरह नहीं है उतना। बस हम लोग बोलबम आए थे, हाँ, और वो लोग ऊपर तैरने गए थे, फिर तैरते तैरते आके डैम के नीचे फंस गए, फिर दोनों नहीं निकल पाए। फिर हम लोग रस्सी वस्सी लेकर गए, फिर वो लोग नीचे में दिख ही नहीं रहे थे, फिर वहाँ गए उसमें और बात किए कि ऐसा ऐसा बातें कर गए कि हमारे दो साथी फंस गए हैं, एक कमल साहू और लकेश्वर पाकर। फिर समय से बात किए इस सब अभी क्या अभी कुछ पता चला? अभी एक जन मिल पाया बता रहे थे। एक जन मिल पाए, एक की तलाश जारी है और एक का कोई पता नहीं चल रहा है। जो निकाले उसका क्या नाम है? नील कमल साहू। अभी कैसे हैं, उनकी स्थिति कैसे है? ठीक है, अभी हॉस्पिटल में है। कहाँ के हैं सभी रहने वाले? सभी सलोनी का लड़का है। लड़का कैसे आ रही है? बोलबम के लिए आ रही है। तो फिर आप मतलब कैसे पता चले कि हाँ इस टाइप की घटना घटे कर? फोन करी से। हाँ, कैसे फोन करी से? जैसे अच्छा, कितने समय से निकले थे आपका लड़का घर से? अब सवा चार समय। कितने जने थे साथ में? और साथ को निकले थे पानी के बहाव के कारण लोग आ गए और गेट नंबर बावन के फोन से निकले और तेज बहाव कारण फंस गए उसमें। एक लड़का करीब 200 मीटर दूर निकला और अलग कितने देर हो गए सर? ये करीब 7 बजे। 7 बजे की घटना है।
सर यहाँ एक लड़के को बाहर निकाला गया है, उनकी स्थिति कैसी है?